नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मकरंद दीक्षित, आपका अपना फैमिली वेटनेरियन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में और हमारे चैनल पे, जिसमें हम आपको आपके पेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, टिप्स और ट्रिक्स देते हैं, सो दैट आपका पेट पेरेंटिंग बहुत ईजी और आसान और आनंददायी हो जाए। सो आज का वीडियो हम बना रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, सारे ही पेट ओनर्स को आता है, सारे ही पेट ओनर्स की इमोशंस से अटैच्ड है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पेट्स के हेल्थ के लिए भी। सो आज का टॉपिक मैं बना रहा हूँ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पे, जो मुझे हमेशा मेरे पेट ओनर्स पूछते हैं, हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर, कैन वी मेट अवर पेट वंस, यानी क्या हम अपने पेट का सिर्फ एक बार मेटिंग करा दें ताकि उसकी जो सेक्स की डिजायर है या उसका जो राइट टू सेक्स है वो हम उससे लेना नहीं चाहते। मैं अपनी प्रैक्टिस के शुरुआत से लोगों को न्यूट्रिंग और स्पेइंग के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता आया हूँ, अवेयर करता आया हूँ, उसके बेनिफिट्स बताते आया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम उसको एक बार मेट कर देते हैं एंड फिर हम उसका न्यूट्रिंग या स्पेइंग कर देंगे। लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि ये एक बार मेटिंग भी क्या प्रॉब्लम कर सकता है एंड वो कितना डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर अपने पेट्स का न्यूट्रिंग और स्पेइंग प्रॉपर एज में अगर करा ले तो इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर देम, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाता है। काफ़ी सारे ऐसे डिसीजेस है जो कि उनका होने का खतरा टल जाता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने पेट का न्यूट्रिंग और स्पेइंग राइट एज में करा लें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमें एक बार मेटिंग करना है, एक बार मेट करना है, तो उसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इशू होता है कि फाइंडिंग अ राइट मेट आपके पेट के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर वो बाय वेट, बाय एज, बाय साइज कंपेटेबल पार्टनर नहीं है अपने पेट के लिए, आपके पास मेल हो या फीमेल हो, जो अपोजिट पार्टी है या मेट है, उसको उसका साइज डायमेंशंस और हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा होना या आपके पेट को मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो मेटिंग ज़बरदस्ती कराने के दौरान काफ़ी बार माउंटिंग के वक्त हिप्स के प्रॉब्लम, मसल के प्रॉब्लम्स, कोई परमानेंट डैमेजेस टेंडन्स को ऐसे भी हुए हैं, हमने देखा है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो मेट है, जो फाइंड करने वाले हो, उसके बाद में मेटिंग कौन कराएगा, प्रोफेशनल मेटिंग कराने के लिए कोई अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेटिंग अगर आप अपने पेट्स का करा रहे हैं तो उसमें एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा इशू हो सकता है, मेल फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करता है या फीमेल मेल को एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड ऐसे कंडीशन में देर इज अ चांस ऑफ फाइट, देर इज अ चांस ऑफ सीवियर इंजुरीज टू योर पेट्स, और इसमें काफ़ी बार बहुत बुरी तरह से चोटें लगती है एंड मेटिंग की तरफ देखने का जो पेट्स का और पेट ओनर्स का साइकोलॉजी है वो भी बहुत बदल जाता है इस इंसिडेंस की वजह से। उसके बाद का इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है, वो आता है फाइंडिंग हाउ टू डिस्पोज योर पपीज, जो मेटिंग के बाद में पपीज होने वाले हैं उन्हें कैसे डिस्पोज करें। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेटिंग करा लेते हैं, पपीज डिस्पोज नहीं होते हैं, पीपल एक्सपेक्ट सम मनी फ्रॉम दैट, लेकिन वो उतना मिलता नहीं है उनको बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस सेलर्स, उनके पास में कोई सर्टिफिकेशंस नहीं होते हैं एंड इन सारी वजह से उनको एक्सपेक्टेड प्राइस मिलता नहीं है। फिर वो पपीज आखिर में शेल्टर में डंप हो जाते हैं या अडॉप्शन के लिए बाहर आ जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से डिस्पोजल ऑफ पपीज इज ऑल्सो अ बिग इश्यूज अनलेस एंड अंटिल यू आर हैविंग अ फिक्स्ड परचेसर और अ फिक्स्ड पर्सन हु इज अडॉप्टिंग देम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसपे हम इस वीडियो में और डिटेल में बात भी करेंगे, वो होता है पेट हेल्थ के बारे में। आपके पेट का अगर अनप्रोफेशनली या अनसाइंटिफिकली मीटिंग करते हैं तो आपके पेट के हेल्थ को क्या प्रॉब्लम हो सकता है उस पर। तो पेट हेल्थ पे क्या इश्यू हो सकता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, 90% लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि जैसे ह्यूमंस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या STDs होते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स में भी STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एनिमल्स में भी होते हैं।
तो अभी हम इन डिटेल में बात करेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन से होते हैं और उनके साइंस एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं और वो कैसे फैलता है एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट दैट। तो सबसे पहला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ब्रुसेलोसिस, जो कि ब्रुसेला कैनिस से फैलता है। ब्रुसेलोसिस ये ऐसा डिसीज है जो एनिमल किंगडम में बहुत कॉमन है, लेकिन डॉग्स में इतना कॉमन नहीं। अब ब्रुसेलोसिस जो होता है वो बेसिकली सबसे ज्यादा पाया जाता है स्ट्रे डॉग्स में, जो इंटैक्ट होते हैं, जिनका कभी कास्ट्रेशन या स्पेइंग नहीं हुआ है एंड जिनको कभी वेटनरी सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है, सिम्टम्स ऑब्जर्व करने के लिए कोई नहीं है, उनमें से ब्रुसेलोसिस बहुत ज़्यादा कॉमनली ट्रांसमिट होता है। ब्रुसेलोसिस ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से और इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से। अगर हेल्दी डॉग किसी इन्फेक्टेड एनिमल का यूरिन या फीटल डिस्चार्जेस या बाकी बॉडी डिस्चार्जेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो भी कैरियर बन सकता है। और ब्रुसेलोसिस में बेसिकली लास्ट ट्राइमिस्टर या फिर लास्ट जो एंड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें एबॉर्शंस और स्टिल बर्थ, या फिर काफ़ी बार बच्चे जैसे होते हैं पपीज होते हैं तो वो स्टिल बॉर्न बेबीज होते हैं, वो डेड होते हैं ऑलरेडी, या फिर अंदर उनकी डेथ होके और टॉक्सिक इश्यूज होने के भी चांसेस फीमेल्स को ब्रुसेलोसिस में होते हैं। इस बैक्टीरिया का जो मेल्स में सिम्टम दिखता है वो बेसिकली ब्रुसेलोसिस का, कि जो टेस्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वोलन हो जाते हैं और बाद में श्रिवल हो जाते हैं। इस बैक्टीरिया को बेसिकली ब्लड टेस्ट से कंफर्म किया जा सकता है। ब्रुसेलोसिस के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, ब्रुसेलोसिस ये एक जूनोटिक डिसीज है, यानी वो डॉग्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। दो चांसेस बहुत कम होते हैं, चांसेस रेयर होते हैं। ह्यूमंस तभी इन्फेक्ट हो सकते हैं जब वो इन्फेक्टेड डॉग के कांटेक्ट में, जैसे उनके कांटेक्ट में आए इन्फेक्टेड डॉग के, तो यदि वेटनरी असिस्टेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन टू या इस डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस उनको होते हैं। एंड उन लोगों ने अगर प्रॉपर केयर ली, प्रॉपर एहतियात अगर बरते तो इस डिसीज को होने से बचाया जा सकता है। अभी हम अपने डॉग्स को ब्रुसेलोसिस होने से कैसे बचाएं? तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अगर अपने डॉग का मेटिंग बाहर के डॉग से या अनकंट्रोल्ड मेटिंग जिसे हम कहते हैं उसके उसे अगर रोके तो आपका डॉग को आप ब्रुसेलोसिस से बचा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आजू बाजू में कहीं आपके घर के यानी कोई फीमेल ने, बाहर की फीमेल ने बेबीज दिए हैं, बच्चे दिए हैं एंड इफ द बेबीज आर स्टिल बॉर्न, या वहाँ पे डेड बच्चे अगर वहाँ पे हैं तो यू शुड इन्फॉर्म योर लोकल अथॉरिटीज, तो वो अगर उसको क्लीन अप कर लेते हैं तो ब्रुसेलोसिस फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड तीसरी बात है कि अगर आप अपने डॉग को स्पे या मेट कर ले तो उनका वैसे भी मेटिंग का जो इच्छा होता है या जो अर्ज होता है वो कम हो जाता है एंड उसमें अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज है या अनवांटेड मेटिंग है वो अवॉइड हो सकता है। तो आप अपने डॉग को या अपने पेट को ब्रुसेलोसिस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो एसटीडी है वो है वायरल डिसीज, दैट इज केनाइन हर्पिस वायरस। अभी केनाइन हर्पीज वायरस बहुत कॉमन है, वाइड स्प्रेड है केनाइन्स में, एसटीडीज में। अब जनरली ये केनाइन हर्पीज वायरस जो होता है उसमें पपीज जो होते हैं अप टू 4 वीक्स ऑफ एज उनकी डेथ कंफर्म होती है, वो फेटल होता है उनके लिए। और पपीज जनरली न्यू बॉर्न पपीज जो होते हैं वो मदर्स वूम से ही इन्फेक्शन को हेरिडिटी से लेते हैं, या व्हाट यू कैन से, उनको वहीं से वो होता है। अडल्ट डॉग्स में जो CHV होता है या केनाइन हर्पेस वायरस होता है उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत प्रोनाउंस नहीं होते और काफ़ी बार इसलिए डायग्नोस भी नहीं होते। बेसिकली ह्यूमन हर्पेस वायरस की तरह से इसके सिम्टम्स या साइंस नहीं दिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसे डायग्नोस करना। इनमें अडल्ट में जो साइंस दिखते हैं वो बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, या सॉफ्ट टमी होता है, या ग्रीनिश येलोइश फीसेस होते हैं, या नेजल डिस्चार्ज होता है ब्लड का, ये सारी सिम्टम्स दिखते हैं। बट दीज आर नॉट वेरी कन्फर्मेटरी। फीमेल्स को अगर प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट फीमेल डॉग्स को अगर ये केनाइन हर्पीस वायरस होता है तो उनके जो लीटर होता है वो बेसिकली रिस्क में होता है
केनाइन हर्पिस वायरस जो होता है वो वायरस बेसिकली रिप्रोडक्टिव ट्रैक में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। तो रिप्रोडक्टिव बॉडी फ्लूइड्स या बॉडी डिस्चार्जेस जो होते हैं वो बेसिकली इस वायरस को स्प्रेड करते हैं, एंड विद कॉन्टैक्ट ऑफ एयर ऑल्सो ये विद द एयर ऑफ एयर ऑल्सो ये स्प्रेड होता है। जिस ग्यू की वजह से जैसे डॉग्स लीक या स्निफ करते हैं तो उसकी वजह से भी वो स्प्रेड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि केनाइन हर्पेस वायरस जूनॉटिक नहीं है, वो ह्यूमंस को डॉग्स से ट्रांसमिट, लेकिन इसके लिए कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन भी डॉग्स के लिए अवेलेबल नहीं है, सो ये फेटल डिसीज ही होता है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज केनाइन ट्रांसमिसिबल वेनरल ट्यूमर्स या CTVT जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सो बेसिकली ये एक इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ कैंसर है, इट्स अ ट्यूमर सो इट्स अ कैंसर। इसमें जो मेन सिम्टम होते हैं वो मेल्स में दिखते हैं आफ्टर सम टाइम आफ्टर इंटरकोर्स, कुछ महीने बाद दिखते हैं कि जो पेनिस का बेस होता है उसमें कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ आपको दिखाई देती है, वहाँ से ब्लीडिंग होता है, एंड इट इज़ अ वेरी रेस्टलेस कंडीशन फॉर द डॉग या कैट। सो ये तकलीफ उनमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जनरली ये CTVT जो होता है वो बेसिकली मेटिंग विद द इन्फेक्टेड डॉग और स्ट्रे डॉग इससे ही ट्रांसमिट होता है, या फिर अगर एक हेल्दी डॉग इन्फेक्टेड डॉग के जो बॉडी फ्लूइड्स है उसे लिक करता है तो उसको वो ट्रांसमिट हो सकता है CTVT। ये जो केनाइन ट्रांसमिसिबल वेनरल ट्यूमर होता है वो बेसिकली जो होता है एक प्रोग्रेसिव डिसीज है। सो अगर ये अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस हो जाता है, अर्ली सिम्टम्स पे डायग्नोस हो जाता है तो इट कैन बी क्योर्ड, बट जनरली इसके क्योर में आपको डॉग का न्यूट्रिंग कराना पड़ता है। इट रिमूव्स इट इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द ग्रोथ एंड ट्यूम अपना टेस्टिकल्स ऑल्सो। सो बेसिकली न्यूट्रिंग उसमें आ ही गया, एंड उसके बाद में इम्यून बूस्टर्स एंड एंटीबायोटिक्स का उसे कोर्स रहता है। लेकिन अगर ये डिसीज प्रोग्रेस हो जाता है तो इसमें भी जनरली डेथ ये निश्चित ही होती है। सो अभी क्वेश्चन आता है ऊपर में, जितने भी आपने देखा कि इसमें मेटिंग विथ अन व्हाट यू कैन से अफेक्टेड डॉग्स या अनकंट्रोल्ड मेटिंग जो होता है उसकी वजह से ट्रांसमिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। सो द बेस्ट थिंग इज कि इन डिसीजेस से बचाने के लिए तो भी आपने अपने पेट्स को स्पे या न्यूटर करा लेना चाहिए। और क्या फ़ायदे हैं स्पेइंग या न्यूटर करने के, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। अब मेल्स एंड फीमेल्स में बेसिकली मार्किंग ऑफ टेरिटरी कम हो जाता है अगर आप स्पेइंग या न्यूटरिंग करते हैं तो। जो रनिंग अवे होता है मेटिंग के लिए, जो अर्ज होता है मेटिंग का, वो भी कम हो जाता है अगर आप स्पेइंग या न्यूटरिंग करते हैं तो। मेल्स में एग्रेशन कम हो जाता है, वो थोड़े डोसाइल बन जाते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो होते हैं टेस्टिस से उनका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है बॉडी में, वो ऑप्टिमम क्वांटिटी आ जाता है। फीमेल्स में भी हीट पीरियड्स नहीं आएंगे, सो उससे रिलेटेड जो इश्यूज है जैसे ब्लीडिंग होना घर में या बाहर के डॉग्स का उनके पीछे लगना, काफ़ी बार ओनर्स को भी अटैक करते हैं बाहर के स्ट्रे डॉग्स फॉर मेटिंग पर्पज इन फीमेल जो हीट में होती है उनके लिए, तो वो सारी चीज़ें वो सारी तकलीफें खत्म हो जाती है। फिर मूड स्विंग्स जो होते हैं फीमेल्स में इन हीट पीरियड में वो भी थोड़ा से कम हो जाते हैं। तो बड़े डॉग्स हैं एग्रेसिव डॉग्स हैं उसमें काफ़ी बार बाइटिंग के इंस्टेंसेस ओनर्स को भी ओनर्स के साथ भी होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस भी ओवरकम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इन सारी चीज़ों के अलावा आपके जो मेल और फीमेल्स है, जैसे फीमेल्स में तो मैमरी ट्यूमर्स होते हैं या यूट्राइन कैंसर्स होते हैं, उन सब के चांसेस एकदम से कम हो जाते हैं अगर आप उनको स्पे कर ले तो प्रॉपर एज में। और अगर आपने मेल डॉग को भी आप न्यूटर करा लेते हैं तो फिर ये CTVT या बाकी भी जो इन्फेक्शंस होते हैं लाइक ट्यूमर्स ऑफ द पेनिस एंड एवरीथिंग, टेस्टिकल कैंसर्स होते हैं, वो भी उनके भी चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। तो बेसिकली आपके डॉग या पेट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ जाती है एंड वो हेल्दियर एंड हैप्पियर जीते हैं और डोसाइल जीते हैं, ताकि आपका भी पेट पेरेंटिंग बहुत इसमें ईजी हो जाए। सो बेसिकली कैट्स और डॉग्स के लिए हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप स्पेइंग एंड न्यूटरिंग एक राइट एज में अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह से कराएं। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरीज है तो आप हमारी तरफ हमको जरूर पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर एंड में दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई क्वेरीज है तो, एंड डेफिनेटली वील ट्राई टू सॉल्व इश्यूज। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप अगर पसंद करते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड कर सके।
सो एट द एंड कीप लविंग, कीप लिविंग, कीप पेटिंग. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.